स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बेटा रिजल्ट तो आ गया। बहुत से टर्मिनोलॉजीज बच्चों को क्लियर नहीं होते। आरटी का मतलब क्या? आरटी का मतलब होता है थ्योरी रिपीट करना, क्योंकि प्रैक्टिकल रिपीट नहीं कराते अंटिल एंड अनलेस आप उसमें एब्सेंट हो। ठीक है, तो आरटी मतलब आपकी थ्योरी रिपीट होगी। क्लास 12 बच्चे जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या होते हैं, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होता है। तो कई बार हमारी कंपार्टमेंट आ जाती है, यानी कि हमारी 33% की क्राइटेरिया जब मीट नहीं होती है तो हम सीबीएसई रिजल्ट्स में ये एब्रिविएशन यूज करते हैं, दैट इज आरटी। आरडब्ल्यू का मतलब रिजल्ट अगर किसी का विथहेल्ड हो जाए, यानी कि मान लो कोई सर्टेन रीजन है, टेक्निकल एरर है, कोई डिस्प्यूट है, या कोई अनफेयर मीन्स की वजह से रिजल्ट आपका विथहेल्ड है, तो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक रिजल्ट आपका रुका रहेगा, इसलिए आरडब्ल्यू। आरएल यानी कि रिजल्ट लेटर, मान लो कोई पैंडेमिक सिचुएशन हो गया, कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जब रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है, कैंसिल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका रिजल्ट लिख के देता है आरएल। कॉम्पार्टमेंट जो कि आजकल सप्लीमेंट्री के नाम से जाना जाता है, स्टूडेंट्स जो कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते हैं, 5 सब्जेक्ट में 33% हमको लाना रहता है। ठीक है, अगर हम 5 सब्जेक्ट में 33% ले आते हैं तो हम पास हो जाते हैं। अगर मैंने 6 सब्जेक्ट लिया हो, 7 लिया हो, लेकिन अगर मैं 5 ही पास हूँ तो आई एम ओवरऑल पास। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लिख के आएगा, लेकिन वो मतलब हम क्लियर करें ना करें हमारी चॉइस होती है। ठीक है, और जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसमें आपको 10th वालों को 2 सब्जेक्ट के लिए अलाउड होता है और 12th वालों को 1 सब्जेक्ट के लिए अलाउड होता है। अब ये टर्म है 4x, दिस इज फॉर इम्प्रूवमेंट। मान लो कि मैंने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, और मैं 1 सब्जेक्ट में फेल हूँ, यानी कि मुझे मिनिमम 33% मार्क्स 5 सब्जेक्ट में आ गए, तो ओवरऑल आई एम पास। ठीक है, या फिर मेरे नंबर अच्छे आए लेकिन मुझे और बढ़वाना है अपना नंबर, तो मैं अप्लाई करूँगी इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया होता है उनके रिजल्ट पे आता है 4x। ER मतलब एसेंशियल रीअपीयर। स्टूडेंट्स अब देखो सीबीएसई ने फेल तो हटा दिया, तो ER स्टैंड्स फॉर एसेंशियल रीअपीयर। स्टूडेंट्स हु हैव गिवन ER आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एग्जाम बोर्ड नेक्स्ट ईयर। यानी कि मान लो आप 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई है, तो 10th वाले 2 में अलाउड हैं और 12th वाले 1 सब्जेक्ट में अलाउड हैं। इससे ज़्यादा में अगर आ गई है तो फिर आपको अगले साल का वेट करना होगा, या फिर गो फॉर NIOS। NIOS इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ठीक है, और बेटा बैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं केमिस्ट्री फॉर 2025, जो आपका इंटायर कोर्स करवाया जाएगा, 1 मंथ का क्रैश कोर्स होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। बैच के चार्जेस होंगे ₹1000 फॉर द एंटायर कोर्स, और उसमें पूरा आपको 1 महीने का रिवीजन दिया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे पास होते हैं इससे, तो आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।